रहमतुल्लाह। देखें, ये जो जंग हमने शुरू की है ना, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। इस वक्त ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमेरिका की तरफ से हम पे मुसल्लत की गई, ये मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए अपने एजेंडे पे है। और पीटीआई जो है वो इस वक्त मैदान में पाकिस्तान को बचाने के लिए, जंग के लिए निकल आई है। हम पीटीआई के सिपाही हैं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हर तरह के तासुब से बाला होके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से मोहब्बत करता हूँ, हर कोई मेरा भाई है, हर तासुब से बाला होके हमने ये पाकिस्तान पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बका की जंग लड़नी है। और हमने पीटीआई को मजबूत करना है, इमरान खान को मजबूत करना है, और अपने मुल्क को इस्लामी किला बनाना है। और जितने भी ये बातल किरे हैं, इन सबको हमने अपने इलाके से भी, मुल्क से भी गिरा देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफैल, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जाहल को अगर चहल का नाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। रिंदों की हतक है, मैं खाने की तोहीन है, कम जरफ के हाथों में अगर जाम दिया जाए तो मैं सिर्फ एक ही फिक्रे पे, एक ही बात पर इजाजत चाहूँगा कि दोस्तों साथियों, मियां अबू बकर साहब शरीफ आदमी हैं, बाकरदार हैं और हकीकी तौर पर बेदाग माजी हैं, तो आओ मियां अबू बकर साहब को कामयाब करो, पीटीआई को कामयाब करो, इमरान खान साहब को कामयाब करो। और मैं दूसरे अल्फाज में अल्लाह की रहमत से ये कहूँगा कि इस गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का दो, ताकि ये जो नून लीग का जो ये यहाँ पर तमाशा है, ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से पीपीए 139 से ये जो बरादरीज़म की सियासत है ये ख़त्म हो जाए। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इमरान खान की बात करते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।